अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कार मेटाबॉलिज्म के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं जो है हमारे पास एचएमपी शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी है, सो आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन हमारे पास कहाँ पर चल रहा होता है, साइटोसोल में चल रहा होता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इस रिएक्शन में दो फेसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली जो फेस होती है वो हमारे पास होती है इरिवर्सिबल फेस, ठीक है, जबकि जो दूसरी फेस होती है वो रिवर्सिबल है, और उस रिवर्सिबल फेस में डिफरेंट तरह की इंटर कन्वर्जन हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। जो इरिवर्सिबल फेस है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेस भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोड्यूस होना है एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिमूव करना है ग्लूकोज में से, और साथ ही साथ हमने प्रोड्यूस करने हैं यहाँ पे दो NADPH। अब NADPH बॉडी के बहुत सारे बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज होंगे, किन रिएक्शंस में यूज होंगे वो भी इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। जबकि जो रिवर्सिबल फेस है इसमें आपने याद रखना है कि इसमें सिर्फ हमारे पास शुगर फॉस्फेट की इंटर कन्वर्जन चलती रहती हैं। ठीक है, एक टाइप जो है वो दूसरी टाइप में और दूसरी टाइप तीसरी टाइप में इंटर कन्वर्ट होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी। इनको भी डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले हम इस इरिवर्सिबल फेस की बात करते हैं। इस इरिवर्सिबल फेस का जो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है NADPH, ये बॉडी के बहुत सारे बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज हो रहा है। बहुत डिटेल आगे हम इसकी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शुरू में जो उसने बुक में दो तीन बातें की हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात उसने ये की हुई है कि हमारे लिवर के अंदर, उसके अलावा हमारे जो लैक्टेटिंग ग्लैंड्स हैं उनके अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर NADPH चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है NADPH? चाहिए होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इन तीनों में जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है वो NADPH डिपेंडेंट है, और ये फैटी एसिड सिंथेसाइज करने के लिए NADPH चाहिए। NADPH कहाँ से आएगा? इस पाथवे से आएगा। इसका मतलब है एचएमपी शंट का एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा एचएमपी शंट का ये फायदा है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, और मेल्स के अंदर जो टेस्टीज हैं उन के अलावा जो फीटल का प्लेसेंटा है और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इन तीनों चारों चीजों में आपको पता है लोकेशंस में क्या चीज सिंथेसाइज होनी है, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज होने हैं। ये जो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस है इन टिश्यूज के अंदर, ये भी NADPH डिपेंडेंट है, यानी NADPH इन टिश्यूज पे जाके वहां पे जाता है और NADPH की प्रेजेंस में स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। तो ये दो फायदे हो गए NADPH के। तीसरा NADPH का फायदा ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर NADPH की प्रेजेंस में ग्लूटाथायोन रिड्यूस होता है। ठीक है, किसकी रिडक्शन होती है? रिडक्शन होती है ग्लूटाथायोन की। ग्लूटाथायोन क्या है? हमारी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका क्या रोल है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन एम है एचएमपी शंट के साइकिल को पढ़ना। एचएमपी शंट से हमें जो NADPH मिल रहा है उसका फैटी एसिड सिंथेसिस, स्टीरॉल सिंथेसिस और ग्लूटाथायोन के रिडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू हवाले से लोकेशंस याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले हम इस इरिवर्सिबल फेस की बात करते हैं। याद ये रखना है आपने कि ये जो इरिवर्सिबल फेस है इसके अंदर तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और वो इन इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स का जो नेट आता है वो ये आता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, दो NADPH हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एक जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं राइबुलोज 5-फॉस्फेट। उसको हम क्या कहते हैं? राइबुलोज 5-फॉस्फेट, जो कि राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर किस चीज़ में यूज हो सकता है? न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में, और न्यूक्लियोटाइड किस में जाके इनकॉर्पोरेट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स में, डीएनए में और आरएनए में। इसका मतलब है डीएनए और आरएनए का जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट है राइबोज शुगर, वो हमें इस रास्ते से हासिल हो सकती है। ठीक है, किस तरह से होती है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात होगी, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सबस्ट्रेट से जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर आपने याद रखना है एक्ट करेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। और इस कन्वर्जन के दौरान सबसे पहले स्टेप में हमारे पास ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो गया है, या लेक्टोन में। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पहला NADP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH में। ठीक है, NADPH में। तो जो मैंने बात की थी कि हमारे पास दो NADPH प्रोड्यूस होते हैं पहले तीन इरिवर्सिबल स्टेप्स में, तो उनमें से पहला जो NADPH है वो प्रोड्यूस हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन है इसके ऊपर 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा? हाइड्रोलेज एक्ट करेगा, तो ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है ये हमारे पास दो रिएक्शंस हो चुके हैं, तीसरा रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वाला स्टेप जो है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, और इसकी रेगुलेशन भी है। इसकी रेगुलेशन कौन करता है?
इसकी रेगुलेशन जो है, ये जो इसमें चीज़ प्रोड्यूस हो रही है एन ए डी पी एच के लेवल्स यही करते हैं, ठीक है। एन ए डी पी एच की जो रेशो है एन ए डी पी से, वही इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को कंट्रोल करता है। अगर तो एन ए डी पी एच बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी इन दोनों की रेशो ज़्यादा है, इसका मतलब है फर्दर एन ए डी पी एच प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो रेशो ज़्यादा है तो ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है ये इनहिबिट हो जाएगा, और अगर इसके लेवल्स कम हैं तो फिर ये क्या होगा, रेगुलेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, और इसकी रेगुलेशन भी है उसी चीज़ से जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एन ए डी पी एच। सेकेंड में आपने याद रखना है कि 6-फॉसोग्लूकोज ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेज एक्ट करता है, और 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। अब 6-फॉस्फोग्लूकोनेट के ऊपर जो थर्ड स्टेप होना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप, थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप होगा, और इस प्रोसेस के अंदर होनी है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन, डीकार्बोक्सीलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप भी निकलेगा और उसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन का लॉस भी होगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है यहां से भी हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे तो NADP जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गई, साथ ही साथ हमारे पास क्या होनी है, डीकार्बोक्सीलेशन भी, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप भी निकल जाएगा। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो पीछे जो है वो 5 कार्बन रह जाएंगे, 5 कार्बन को आपको पता है राइबुलोज कहते हैं। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, राइबुलोज 6-फॉस्फेट क्या बन जाएगा, सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वाली कार्बन है वो निकल जाती है तो पीछे क्या बच जाएगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट क्या बन जाएगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट बच जाएगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। क्या होता है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और हमारे पास बन गया है मेन प्रोडक्ट राइबुलोज 5-फॉस्फेट। जो चीज़ें हमें यहाँ तक चाहिए थी वो हमें मिल गई, यानी 2 NADPH भी मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और राइबुलोज 5-फॉस्फेट भी मिल गया। ये तीनों रिएक्शन जो है रिवर्सिबल थे। अब बच्चों आगे जो चीजें होनी है वो रिवर्सिबल होती हैं, वो दोनों स्टेट में चलती हैं, ठीक है। ये जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट है ये हमारे पास किस पे कन्वर्ट हो सकता है, राइबोज 5-फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो सकता है, राइबोज 5-फॉस्फेट में। और ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट है, आप न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, इस राइबोज 5-फॉस्फेट से क्या सिंथेसाइज होते हैं, प्यूरीन सिंथेसाइज होते हैं। प्यूरीन की सिंथेसिस जो है राइबोज 5-फॉस्फेट पे स्टार्ट होती है। प्यूरीन क्या है, बेस है किसकी, न्यूक्लियोटाइड के। इसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में यूज होगा, और न्यूक्लियोटाइड किस में इनकॉर्पोरेट होते हैं, आरएनए और डीएनए में। सो आरएनए एंड डीएनए की सिंथेसिस के लिए भी ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। यहां तक अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आपको एक और बात बताती हूं कि ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट है, ये जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट है, ये राइबोज 5-फॉस्फेट की बजाय राइबोज 5-फॉस्फेट की बजाय ये किसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो सकता है, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट में। अब इस ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट से अगर हमारे पास जो कीटोलेजेस होती हैं, आई गैस, वो एक्ट करें और यहाँ से अगर 2 कार्बन निकाल लें, ठीक है, यहाँ से जो 2 कार्बन है वो माइनस कर लें, कीटोलेजेस आई गैस एक्ट करती हैं यहाँ पे, जब यहाँ से 2 कार्बन निकलेंगे तो 5 में से 3 कार्बन बच जाएंगे, और वो 3 कार्बन को क्या हम कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, अगर इसमें 3 कार्बन ऐड किए जाएं, उनके एडिशन के लिए भी ट्रांसएल्डोलेजेस या कुछ ऐसा एंजाइम जो बुक में बताया हुआ है, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को इंटर कर सकता है। अगर इसके अंदर 3 कार्बन जो है वो ऐड किए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट भी किसको इंटर कर सकता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को। तो ये हमें इस मेटाबॉलिज्म का दूसरा बेनिफिट ये है, एक बेनिफिट तो ये है कि हमें राइबोज 5-फॉस्फेट मिलता है और उससे प्यूरीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन अगर बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स के लेवल ऑलरेडी हाई हो तो राइबुलोज 5-फॉस्फेट से क्या सिंथेसाइज होता है, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बाय द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन और बाय द एडिशन ऑफ 3 कार्बन किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर हो सकता है। ये सारे जो हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। बुक के अंदर थोड़ी सी इंटरकन्वर्जन बताई गई है जो बच्चों को मुश्किल लगती है, पहले मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, फिर हम बुक से भी देख लेते हैं। वो इतनी सी बात कर रहा है कि आपके पास राइबुलोज 5-फॉस्फेट आ गया, ठीक है, क्या आ गया, राइबुलोज 5-फॉस्फेट आ गया। अगर आप न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो इस राइबुलोज 5-फॉस्फेट से आप क्या सिंथेसाइज कर लेते हैं, राइबोज 5-फॉस्फेट, और राइबोज 5-फॉस्फेट से आप यूरिन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन अगर बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स के लेवल ज़्यादा हैं, आप राइबोज 5-फॉस्फेट या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज नहीं करना चाह रहे, तो ये राइबुलोज 5-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ज़ाइलुलोज 5
फॉस्फेट में, ठीक है। इस जेलुलोज 5 फॉस्फेट से अगर हम 2 कार्बन माइनस कर दें, 2 कार्बन अगर इसमें से निकाल देंगे तो ये किसमें बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें जाके इंटर कर सकता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को इंटर कर सकता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब ये जो 2 कार्बन यहाँ से रिमूव किए हैं, अगर ये हमारे पास थोड़ा बहुत राइबोज 5 फॉस्फेट भी बना हुआ है साथ, और हमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज नहीं करने, तो ये दोनों कार्बन जो है वो इस राइबोज 5 फॉस्फेट में ऐड होंगे। जब इस 5 कार्बन में 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सीडो हेप्टुलेज 7 फॉस्फेट, जिसका मतलब है 7 कार्बन क्या बन जाएगा, सीडो हेप्टुलेज 7 फॉस्फेट, 7 फॉस्फेट, यानी इसमें आप कितने कार्बन हो गए हैं, 7, 5 ये थे और 2 इधर से लेके ऐड किए हैं। अब ये जो सीडो हेप्टुलेज 7 फॉस्फेट है, मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हम 3 कार्बन ऐड कर देते हैं तो इसको किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो वो 3 कार्बन हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम 3 कार्बन जो है वो किसको दे देते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ट्रांसल्डुलेज की प्रेजेंस में, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी किसमें एंटर हो जाता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। और जो ये 7 वाला है, ये अपने 3 कार्बन देने के बाद क्या बच जाता है, ये बच जाता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, यानी 4 कार्बन वाला कंपाउंड रह जाता है, क्या बन जाता है, एरिथ्रोज 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब जिसने 3 कार्बन यहाँ ट्रांसफर किए हैं वो यहाँ से ट्रांसएल्डोलेज 3 कार्बन लेके इसको भी दे सकता है, ठीक है। इसका मतलब है ये 3 कार्बन लेने के बाद दोबारा 7 वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन डिफरेंट तरह की चलती रहती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक के अंदर भी बहुत आसान तरीके से ये दिखाया हुआ है हमारे पास। ये पहले 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर NADPH की प्रोडक्शन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। सेकंड स्टेप इन्होंने यहाँ से स्किप किया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी, अगर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कराने तो ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, जेलुलोज 5 फॉस्फेट में, जिसके 2 कार्बन रिमूव कर लिए जाएंगे तो ये किसमें चला जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। ये 2 कार्बन अगर हम किसको दे देंगे, राइबुलोज 5 फॉस्फेट को, जो न्यूक्लिक एसिड में यूज नहीं हो रहा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 2 कार्बन लेने के बाद सीडो हेप्टुलेज 7 फॉस्फेट में, सीडो हेप्टुलेज 7 फॉस्फेट अगर अपने ये 3 कार्बन ट्रांसएल्डुलेज की मदद से दे देगा किसको, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, तो ग्लिसरल्डिहाइड वो 3 कार्बन लेने के बाद क्या बन सकता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और अगेन किस में यूज होगा, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। 3 कार्बन देने के बाद ये क्या रह जाएगा, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो कि दोबारा से 3 कार्बन रिसीव करके सेप्टा हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बन सकता है, और डिफरेंट पाथवेज में ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एल्डोलेजेस की मदद से भी और ट्रांसकीटोलेजेस की मदद से भी। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या था, एजीएमपी शंट था जिसमें एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन था और नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन था। अब यहाँ पे हमें NADH मिल गए, NADH के यूजेस, NADPH के कुछ यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।